हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 1.5 करोड़ रुपए के 2 हाथी के दांत ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने जब्त किया है। तमिलनाडु से हाथी दांत बेचने आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 5 को जानकारी मिली थी कि ठाणे के कोपरी इलाके में कुछ लोग हाथी के दांत की तस्करी करने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच ने यहां पर जाल बिछाकर तमिलनाडु से बेचने आए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हाथी के दांत भी जब्त किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों हाथी के दांत की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे पुलिस पूरे इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं हाथी के दांत की क्वालिटी ये ज़्यादा दिन तक रहती है। मुख्य वजह ये भी बताई जा रही है कि इसमें जंग नहीं लगता है, कई वर्षों तक ये इसी तरह से रहता है और इससे ज़्यादातर कॉस्मेटिक सामान भी बनाए जाते हैं। विदेशी कंट्री में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश सुनावने ने क्या जानकारी दी है, आपको सुना दें। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत एक क्राइम ब्रांच आता है जिसका यूनिट है 5, जहाँ हम देख रहे हैं यूनिट 5 के अंतर्गत कार्यरत जो सहायक पुलिस निरीक्षक भूषण शिंदे और उनके सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास गोखले साहब को एक गुप्त जानकारी मिली थी कि कोई 2 आदमी जिनके पास गैर कानूनी तरीके से हस्तिदंत पाए जाने की आशंका है वे आने वाले हैं। वे गैर कानूनी तरीके से या प्रायोजनिक कुछ वाणिज्यिक प्रायोजन के हेतु से वहाँ खड़े हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस तरह की एक गुप्त जानकारी मिलने के बाद एक ट्रैप का प्लान किया गया, जिसमें वन अधिकारियों के विचार विमर्श के और सहयोग के द्वारा ये प्लान किया गया है और आनंद नगर चेक नाके के बाजू में जो सर्विस रोड है वहाँ ये 2 गिरोह पाए गए हैं और जिसमें से कुछ चीज़ें बरामद की गई है जो आपके सामने दिखाई दी है। हस्तिदंत है जिनका बाजार मूल्य अभी 1.5 करोड़ के आसपास है। जब उनकी पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया, कब्जे में लिया गया, तो उसके पास जो जानकारी मिली, कुछ मोबाइल मिले, आधार कार्ड मिले और जानकारी के तहत उनके जो नाम सामने आए हैं वे हैं मोहम्मद रफ़ी इब्राहिम सैयद, जिनकी उम्र लगभग 41 साल है। वे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। गाँव है बेनकपुर, कृष्णगिरी जिले में दिनकनी कोटाई नाम का तालुका है, वहाँ वे रहते हैं। दूसरा जो साथीदार है उनका रहीम बादशाह खान, जिसकी उम्र है 35 साल, अंधेरी पश्चिम में रहता है। और दोनों के पूछताछ के बाद कुछ बातें सामने आई जिनमें से मैं बताना चाहूँगा। रफीक नाम का और एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है जिनकी छानबीन चालू है, जिनकी खोज चालू है। ये जो पूरी कार्रवाई की है ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 49, 50 और 51 की तरह की गई है। ये आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेशी करने के बाद न्यायालय ने 6 मई तक पुलिस कस्टडी रिमांड सैंक्शन की है। और ये जो 2 हस्तिदंत आपके सामने रखे हुए हैं ये आइवरी कहा जाता है, इनका 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बाजार मूल्य है। ये हिरासत में लिया गया है और पुलिस यानी कि स्पेशली क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के भूषण शिंदे ये इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। और ये जो पूरा चैनल है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ, इसके पीछे कोई वाणिज्यिक प्रयोजन है या नहीं, इसकी छानबीन अभी तक हम कर रहे हैं। जो 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है दोनों आरोपियों की छानबीन, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई को अमल करने में और अंजाम देने में हमारे CP सर JG सिंह सर, जॉइंट CP सर कराले सर, उनके साथ हमारे एडिशनल CP पंजाबराव उगले सर, जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, उनके आने के बाद ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। और DCP शिवराज पाटिल, मैं खुद नीलेश सोनोने, हमारे सीनियर विकास गोखले साहब, DPI भूषण शिंदे, उनकी जो टीम थी जो फील्ड पे गई, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा।
उसमें हमारे पुलिस निरीक्षक नितिन पाटिल साहब है, एपीआई अविनाश महाजन, शिवाजी कानड़े, एएसआई सुनील आईरे, हवालदार शशिकांत नागपुरे, सुनील निकम, जगदीश नावळदे, सुनील रावते, प्रकाश पाटिल, विजय काटकर, सुशांत पालांडे, संदीप शिंदे, अजय साबळे, रोहिदास रावते, माधव वाघचौरे, सुनीता गीते, पोलीस नायक तेजस ठाणेकर, रघुनाथ गारडे, उत्तम शेळके, चालक पोलीस कॉन्स्टेबल यश यादव, इन सभी ने फिर पे जाके एक कलेक्टिवली एफर्ट्स को अंजाम दिया और आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो कार्रवाई रेयरली की जाती है वे कार्रवाई को अब हम अंजाम दिए गए हैं। कोकटी पुलिस स्टेशन में ये अपराध दर्ज किया गया है और अगली जांच भूषण सिंह के कर रहे हैं। सर, जो आरोपी गिरफ्तार करना है उनका बैकग्राउंड क्या है और जिस तरीके से लोग मुनाफा जल्द कमाने की कोशिश कर दे और इन जैसे बेजुबानों को मारकर जल्द मुनाफा, उन लोगों को क्या आह्वान रहेगा, लोगों को किस तरीके से? ये जो हस्तिदंत है ये प्रोटेक्टेड एनिमल, जो हमारा हाथी है प्रोटेक्टेड एनिमल, उसे इकोलॉजिकल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंस पाया गया है। जैसे कि कुछ चॉपस्टिक आपने देखा होगा, चॉपस्टिक बनाया जाता है, इससे हेयर पिन बनाई जाती है, अपने ड्रेस के जो बटन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, मतलब ये जल्दी वैनिश नहीं होता, ये पानी में गंज नहीं खाता, ये अग्नि में जल्दी जल नहीं पाता, तो इनकी जो क्वालिटियाँ है ये इसमें कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अफ्रीकन कंट्रीज में अगर चाहे तो अफ्रीकन हाथी की पूंछ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जो कमर्शियल वैल्यू है मुनाफा कमाने की, जो आमतौर पर लोगों की ये जो आदत है, इसका बुरा असर हमारे नेचर पर हो रहा है, पर्यावरण पर हो रहा है, वो ना हो इसलिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा तक हमने ये कार्रवाई की है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा चैनल हो सकता है, सोर्स हो सकता है, कुछ बातें सामने आएगी, बाद में आपको बताएंगे। सर, आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ ऐसे और भी वस्तु उनके पास से कुछ बरामद हुई थी? वस्तु जब ट्रैप किया भूषण सिंधे साहब, उनकी टीम ने जब ट्रैप किया तब उनके पास से जो दैट वॉज एक्सपेक्टेड वो यही था जो आपके सामने, वो बाकी मोबाइल था, आधार कार्ड वगैरह था, लेकिन उससे पहले चीज ये है हमारे लिए जो अहम चीज़ है, पहले तो हमने हस्तिदंत बरामद किया, उसके बाद जो आरोपी थे वो जैसे हमने दबोचा, वो दोनों आ गए हमारे हिरासत में और जो जानकारी उनसे मिलने वाली है वो ज़्यादा अहम करती है, मतलब ये हमें आगे अभी और जाना है, ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी रिक्वायर होगी तो हम कोर्ट को विनती भी करेंगे और पुलिस कस्टडी लेने के बाद पूछताछ जारी करेंगे। लोगों को क्या आह्वान रहेगा अपने माध्यम से? आह्वान तो यही है कि देखिए, ये आम तौर पर सामान्य जनता से संबंध में ये कोई विषय नहीं, ये जो विषय है इसकी अगर हम छानबीन करें तो ये थोड़ा हाई लेवल का टाइप का कुछ है, इसमें तमिलनाडु कनेक्शन है, अदर स्टेट का कनेक्शन है, जैसे कि अगर कोई जानकारी मिलती है इस टाइप का अगर कहीं देखा जा सकता है तो आम नागरिक इसकी निगरानी रखें और इतला करें पुलिस को।